तो बाबा लोग जितने भी गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स लवर हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 में सिर्फ एक चीज का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे होंगे और पिछले एक डेढ़ साल से बस इसी का उम्मीद में लगे होंगे कि भाई सब डांस ऑफ द ड्रैगन्स ड्रैगन वॉर देखने को मिले, क्योंकि पहले सिर्फ हमने ड्रैगन्स ही देखे थे लेकिन ड्रैगन्स को आपस में लड़ते नहीं देखा था। लेकिन एपिसोड 4 वो चिंगारी का काम करके गया, वो आग में घी का काम करके गया जिसके लिए बाबा वाकई में वेट कर रहे थे हम पिछले डेढ़ दो साल से। और एपिसोड 8 में सिर्फ वही मिलने वाला है क्योंकि तैनात हो चुके हैं भाई साहब ड्रैगन, तैनात हो चुके हैं ब्लैक्स की तरफ से, देन उसके बाद ग्रीन्स की तरफ से। और ग्रीन्स में जज्बा है भाई, एमंड में जज्बा है। एमंड जिसे पता है कि मेरे पास ड्रैगन्स नहीं है, सिर्फ दो ही ड्रैगन हैं और सामने चार से पांच ड्रैगन हैं, लेकिन बावजूद इसके बाबा वो बिल्कुल भी डर की एक शिकन उसके चेहरे पे देखने को नहीं मिली, उल्टा वो बस तैयार कर रहा है हेलिना टारगेरियन जो उसकी वाइफ आगे जाके शायद हो सकती है, फिलहाल में अभी भाभी है उसकी, भाई उसको तैयार कर रहा है कि यस तुम्हें ड्रीम फायर चलाना पड़ेगा क्योंकि हमें ज़रूरत है, सामने वाले के पास ड्रैगन्स हैं और वो ड्रैगन्स भाई साहब कुछ भी हद तक जा सकते हैं। खैर ट्रेलर बहुत कुछ कह के जा रहा है और ट्रेलर सिर्फ यही प्रॉमिस करके जा रहा है कि भाई वॉर तो होनी निश्चित है, ड्रैगन्स वॉर होनी निश्चित है। तो अभी तक ये जो प्रिडिक्शन चल रही थी कि भाई साहब सीप स्टीलर को कब क्लेम किया जाएगा या फिर टसेरियन ड्रैगन जो डेरिन टारगेरियन का है वो आएगा नहीं आएगा, तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये डिले होने वाला है ये दोनों मोमेंट, और जितने ड्रैगन इनके पास हैं बस इन्हीं से इनका काम चलाया जा सकता है। रेनीरा जो अभी भाई साहब फुल डिफेंस मोड में काम कर रही थी, फुल दब्बू बन के चल रही थी, अभी उसका वर्मिथोर और सिल्वर विंग आ चुके हैं, देन सीस्मोक आ चुके हैं, तो वो फुल ऑफेंडेड हो चुकी है। एंड सीधा सीधा भाई साहब वो ट्रेलर में एक दो बार ये भी देखने को मिला कि किंग्स लैंडिंग पर अगेन वर्मिथोर सिल्वर विंग ये भाई साहब कूच करते नजर आए हैं, तो वो पूरा फायदा उठाने वाली है ड्रैगन्स का और कोशिश यही करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटीज ना हो और सीधा धर पकड़ कर ली जाए किंग्स लैंडिंग पर। लेकिन 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 एक सीन यहाँ ये भी देखने को मिला है जहाँ एमन टारगेरियन अपने वेगार के ऊपर ड्रैगन स्टोन को तबाह करते हुए मंजर देखने को मिला है, तो ये नाइटमेयर है क्या है भाई वो तो आगे एपिसोड में पता चलेगा। अपना करेक्सस भी तैयार हो चुका है और करेक्सस के ऊपर दो ड्रैगन उड़ते नजर आए हैं, तो वो सीधा सीधा ऑफेंडेड है उस चीज़ के लिए क्योंकि करेक्सस नहीं चाहेगा कि बाहर टेरिटरी का कोई ड्रैगन आ जाए, और वर्मिथोर और सिल्वर विंग के लिए फिलहाल डेमन टारगेरियन को उतना कोई नॉलेज है नहीं, तो हो सकता है एक बार के लिए इन माई प्रिडिक्शन जो मेरे हिसाब से है कि वेगार तो उन पर अटैक करे ना करे लेकिन करेक्सस पहले अटैक कर सकता है। फिलहाल भाई वर्मिथोर और सिल्वर विंग के लिए भाई एक्साइटमेंट है और खासकर वर्मिथोर के लिए एक्साइटमेंट है कि ये बाबा वेगार के सामने जाएगा तो क्या होने वाला है। साइरेक्स भी उड़ते नजर आया है, यानी क्वीन रनीरिया खुद, सॉरी रनीरा या रनीरा, ये मेरा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होता है, तो बाबा इसने भी कमान हाथ में ले ही ली है और ये भी मैदान पर उतरने वाली है। फिलहाल के लिए जैकेरिस और वर्मेक्स का कोई भी निशान नहीं देखने को मिल रहा है वॉर में, साथ में मून डांसर का भी कोई निशान नहीं मिल रहा है, तो पॉसिबल टू पॉसिबल यही हो सकता है कि ब्लैक्स के चार ड्रैगन आए और डेमन टारगेरियन जो पांचवा है, देन उसके बाद भाई उधर से अपने एमंड और ड्रीम फायर देखने को मिल जाए, तो वॉर निश्चित है भाई। दूसरी तरफ भाई आर्मी भी तैयार है, किंग्स लैंडिंग की आर्मी ज़्यादा ताकतवर है, तो हो सकता है कि एक का ड्रैगन यहाँ पर मार गिराए जा सकते हैं। फिलहाल स्पॉइलर दे दूँ क्या, जो लोग अभी बहुत उड़ रहे हैं ना, जो लोग ब्लैक्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हें सोच रहे हैं कि भाई ये पावरफुल हो चुके हैं, तो आगे जाके एक ऐसी ट्रेजेडी होने वाली है वर्मिथोर को लेकर जो सबके होश उड़ा देगी। तो यहाँ कोई है ज्ञान का देवता तो बता सकते हो ऐसा कमेंट बॉक्स पर कि वर्मिथोर ऐसा क्या करने वाला है जो आगे जाके ब्लैक्स फिर से कमजोर हो जाएंगे। फिलहाल मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, बहुत गाली खा चुका हूँ पहले, काफी स्पॉइलर दे देंगे। फिलहाल वेट है भाई एपिसोड 8 के लिए और आज के लिए बस इतना ही, और आपकी तरफ से और क्या क्या हो सकता है भाई, जितना भी ट्रेलर में अभी देखने को मिला है सारा कुछ डिस्कशन हो चुका है, और भी आपकी तरफ से कि भाई आगे बैटल में क्या हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वैसा बैटल ऑफ गल्ट भी हो सकती है लास्ट में, जहां पर जैकेरिस और वर्मैक्स मारा जा सकता है, और निश्चित है क्योंकि अकॉर्डिंग टू फायर एंड ब्लड या फिर अकॉर्डिंग टू आइस एंड फायर ये बुक्स की अगर बात करें, वहाँ पूरा मेंशन है कि भाई साहब वर्मैक्स और जैकेरिस बैटल ऑफ गल्ट में मारे जाएंगे। स्पॉइलर है ये, गाली दे सकते हो आप, डोंट वरी। तो बाबा लोग आप लोग कितने एक्साइटेड हो इस वॉर के लिए और कौन किसकी साइड में है भाई साहब, कौन एमन टारगेरियन को सपोर्ट कर रहा है, कौन ब्लैक्स क्वीन रनीरा टारगेरियन को सपोर्ट कर रही है, नीचे कमेंट में जरूर बता के जाना भाई साहब कौन किस आर्मी के साइड में है। फिलहाल मैं ब्लैक्स के साइड में हूँ अभी तक, लेकिन बाबा मेरी सिंपथी अब जो है एमन की तरफ ज़्यादा जाने लगी है क्योंकि एमन भाई उसके पास कोई भी ड्रैगन नहीं है, बावजूद उसके हथियार डालने के वो लौंडा 16 साल का लौंडा
बड़े बड़े दिग्गजों से लड़ने जा रहा है और वो उन सबकी धज्जियाँ उड़ा के भी जाएगा। देखते हैं एपिसोड में क्या होता है। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो उसका मतलब वीडियो पसंद आए, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।